हे गाइस, वेलकम ऑल टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेंटली जो फर्स्ट सर्विस मैंने अपनी कार की करवाई थी उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल से जानकारी दे देता हूँ। और रिसेंटली जो मैं ट्रिप की उसके बारे में आपको बता ही दिया था। सो जो फर्स्ट सर्विस है उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, आप अपनी कार ले जाते हो और जनरली एयर फिल्टर यही सब चीज़ें चेक होती हैं और ऑयल वगैरह कुछ चेंज नहीं करते हैं, एसी फिल्टर वगैरह चेक होता है। सो उससे जो है थोड़ा फ़ायदा तो मतलब होता है, मतलब आई डोंट नो, हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, बट अगर किसी और ने फर्स्ट सर्विस के बाद ऐसा फील किया तो वो बता सकता है। सो मुझे थोड़ा सा एक्सेलरेशन में क्विक लगा, कार थोड़ी क्विक लगी एक्सेलरेशन में, डोंट नो ऐसा क्यों हुआ, बट हो सकता है एयर फिल्टर क्लीन हुआ उसकी वजह से हुआ है, बस ये एक बात थी। और फर्स्ट सर्विस में मैंने वैसे फर्स्ट सर्विस फ्री होती है गाइस, सो उसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना होता है, बट 30 रुपीज़ का शैम्पू जो वॉशर शैम्पू होता है लिक्विड फीड वो उन्होंने डलवाया था, तो वो मैंने बोला था आप चेंज कर दीजिए, तो 30 रुपीज़ वो डलाए थे। और मैंने अपनी कार में मडगार्ड फिट करवाए थे, तो अगर आप एजेंसी से मडगार्ड लेते हैं तो आपको 2000 रुपीज़ कॉस्ट करता है वो मडगार्ड, जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर किए थे। सो अमेजोन से अगर आप ऑर्डर करते हैं तो 500 रुपीज़ समथिंग का मडगार्ड आता है चारों आगे और पीछे के। आगे का फिट करना थोड़ा आसान है तो वो आप खुद ही कर सकते हैं, मैंने घर पे ही कर लिया था, दो नट होते हैं चार, वो आप ओपन कर लीजिए। पीछे का आपको व्हील निकालना पड़ता है, तो मैंने नहीं निकाला, मैंने सोचा था मैं बाहर से ही करवा लूँगा, लेकिन जब मैं सर्विस सेंटर गया तो मैंने उनको दिया पार्ट कि ये पार्ट है आप देख लीजिए, अगर आप फिट कर सकते हैं तो आप कर दीजिए, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप बता दीजिए मैं बाहर से करवा लूँगा। तो उन्होंने फिट कर दिया, लेकिन जो फिटिंग होती है वो थोड़ी सी पीछे वालों की एग्जैक्टली फिट नहीं है होंडा एलिवेट की, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो ये फिटिंग तो प्रॉपर है, तो ये आप होंडा से ही मैंने करवा लिया था, और इसमें चार नट लगते हैं, एक नट यहाँ पे ऐसे लगता है ये वाला, और एक इसके नीचे यहाँ पे लगता है, तो ये दो नट उन्होंने लगाए और इन दो नट, दो इधर दो उस साइड, टोटल 4 नट लगे, तो उसके मुझे 400 रुपीज़ कुछ उन्होंने चार्ज किया। तो मतलब बेटर है आप होंडा से ही करवा लो, बिकॉज एटलीस्ट सेटिस्फैक्शन होगा, तो आप होंडा से ही करवाइए, बेटर है, एटलीस्ट ये रहेगा माइंड में आपके, सेटिस्फैक्शन रहेगा, कोई ऐसा उल्टा सीधा फिटिंग नहीं करेंगे। तो ये एक छोटी सी चीज़ मैंने मडगार्ड के रिलेटेड करवाई। सो जो टोटल बिल आया था मेरा वो समथिंग अराउंड 500 रुपीज़ का आया था, बिकॉज टैक्सेस भी लगते हैं, ये थोड़ा सा महंगा है, बिकॉज अगर आप एक नट लगवा रहे हो और उसका 400 रुपीज़ आपको होंडा चार्ज कर रहा है तो थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लगा, बट ठीक है। तो अगर आप टोटल बिल देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, टोटल बिल इज़ अराउंड 552 रुपीज़, एंड ये फर्स्ट सर्विस है, और आपको पार्ट्स के भी मैं डिस्क्रिप्शन दिखा देता हूँ। तो आप अगर देखोगे, 1 मिनट, तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ लिखा हुआ है चेक फ्रंट ब्रेक पैड, ये सारा काम होता है, ब्रेक एडजस्ट, लुब्रिकेट पिन, क्लीन एयर फिल्टर, चेक डायग्नोस, ये सब फ्री होता है, इसका कोई पैसा आपको नहीं देना है, आप अमाउंट में 0 देख सकते हो। तो आप यहाँ पर देखो ये नंबर ऑफ़ स्क्रूज़ 4 लिखे हुए हैं स्क्रूज़ में, और टोटल 105 रुपीज़ का एक है, तो टोटल जो हो गया 496। सो 500 रुपीज़ अराउंड कॉस्ट हो गया आपका ये फिटिंग का, 400 रुपीज़ जो 40-50 रुपीज़ हो गया आपका वाटर फ्लूड विंड स्क्रीन फ्लूड का, सो टोटल अराउंड 500 रुपीज़ आपका कॉस्ट कर जाएगा। सो आई थिंक दिस इज़ ओके, बिकॉज अगर आप बाहर से करवाते हैं तो आपको उनको बताना पड़ता है यार ऐसे करो ऐसे ना करो, सो ठीक है आप होंडा से करवा लो, मैं बोलूँगा आप चारों पार्ट वहीं से ही फिट करवा लो होंडा से, जब भी आप सर्विस पे जा रहे हैं आप करवाइए वहीं से, आप आगे में नट भी नहीं लगते, आगे के नट ऑलरेडी लगे हुए हैं तो वो फिट हो जाता है प्रॉपरली, पीछे वाले नट लगते हैं तो उसका चार्ज करेंगे आपको, तो 496 रुपीज़ ही आपको कॉस्ट करेगा। सो ये रहा फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस गाइस, बाकी एक्सपीरियंस सही रहा, और एंड्रॉयड ऑटो डिस्कनेक्ट का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो एंड्रॉयड ऑटो डिस्कनेक्ट का जो प्रॉब्लम था उसके लिए वो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, और वो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद अभी थोड़ा ठीक काम कर रहा है, अभी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, रास्ते में आने के टाइम पे 4-5 बार डिस्कनेक्ट हुआ था, लेकिन अभी उसके बाद से कोई डिस्कनेक्ट मैंने नहीं देखा है। सो एक ये अच्छी चीज़ थी एंड्रॉयड ऑटो में, तो
देखते हैं गाइस आगे जो जैसा भी एक्सपीरियंस रहता है फर्स्ट सर्विस के बाद। और एंड्रॉयड ऑटो की एक पूरी वीडियो मैं एक सेपरेटली बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो फिर थोड़ा सा एक टॉपिक पे सेंट्रिक नहीं रहती है, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस था गाइस। सो आई होप आपको कोई क्वेरी और डाउट पूछेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। ओके, सी यू।